वेलकम बैक। आज के वीडियो में बात करेंगे मिरेकल में GSTR 2B ऑटो डाउनलोड और रिलेटेड ITC रिपोर्ट के बारे में। GSTR 2B एक ऑटो जनरेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो एवरी नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए उसके सप्लायर द्वारा उनके रिलेटेड GSTR 1 या IFF में दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर जनरेट किया जाता है। चलिए GSTR 2B के डेटा को ऑटो डाउनलोड करते हैं। गो टू GST और GSTR 2B मैच पर क्लिक करें। रिपोर्ट पीरियड सिलेक्ट करके मंथ सिलेक्ट करें। हम यहां अप्रैल सिलेक्ट कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको कोई डेटा नहीं दिखेगा क्योंकि अभी डेटा इंपोर्ट करना बाकी है। तो अप्रैल मंथ के डेटा को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ज़िप पर क्लिक करें। डाउनलोड GSTR 2B डेटा की विंडो ओपन होगी। अगर आपको मैन्युअली डेटा डाउनलोड करना है तो यहाँ मैन्युअल में इंपोर्ट ज़िप पर क्लिक करके कर सकते हैं। ये ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब कस्टमर ने पोर्टल से GSTR 2B डाउनलोड किया है और मिरेकल में इंपोर्ट करना चाहता है। ऑटो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दाखिल करना होगा और कैप्चा एंटर करें एंड लॉगिन पर क्लिक करें। फिर आपका GSTR 2B का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ लास्ट अपडेटेड में ये शो होगा कि लास्ट डेटा कब डाउनलोड किया गया था। इंपोर्ट हुआ डेटा देख सकते हैं। वाउचर के ITC स्टेटस की जांच इस कॉलम से कर सकते हैं। यहाँ पर GSTR 2B डेटा को रिलेटेड मिरेकल में कई सारे सेक्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है मैच्ड, जिसमें सभी मैच्ड डेटा शो होंगे। सेकंड है मिसमैच्ड। अगर कोई मिसमैच्ड डेटा है तो आपको यहाँ इस सेक्शन में दिखेगा। अगर कोई डेटा में डिफरेंस होगा वो रेड कलर में हाईलाइट होगा। इस सेक्शन में एक वाउचर है जिसमें टेक्स का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि मिसमैच्ड है। तो इतना डिफरेंस इग्नोर करने के लिए यहाँ इग्नोर डिफरेंस का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें अभी हम 5 रुपी का डिफरेंस इग्नोर करना चाहते हैं। जैसे ही आप 5 रुपीज एंटर करेंगे तो यहाँ जितने भी डिफरेंस वाले वाउचर्स थे वो मैच्ड सेक्शन में लिस्ट हो जाएंगे। और यहाँ रिमार्क्स में आप देखें तो मैच्ड बाय इग्नोरिंग डिफरेंस लिखा हुआ है। अगर डेट का डिफरेंस इग्नोर करवाना है तो इग्नोर डेट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर डेट एडिट करके आप मैच्ड डेटा में ले जा सकते हैं। थर्ड है पार्शियल मैच्ड। अगर डेटा में कोई इनवॉइस नंबर डिफरेंस है तो एडिट करके उसे मैच्ड डेटा में ले जा सकते हैं। फोर्थ, आपको यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी दी गई है, जिसमें मैच्ड, मिसमैच्ड और पार्शियल मैच्ड के बिल एक ही रिपोर्ट में मिल जाएंगे। फिफ्थ है मिरेकल ओनली सेक्शन, जिसमें आपको वही बिल्स शो होंगे जो GSTR 2B में नहीं मिला है। ऐसा इसलिए होगा, या तो इस पार्टी ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया या फिर ये पार्टी क्वार्टरली अपना रिटर्न फाइल करती है। लास्ट है 2B ओनली, जिसमें वो बिल्स शो होंगे जो 2B में मिला है पर अपने मिरेकल में उसकी एंट्री नहीं की है। जब सारा डेटा मैच्ड सेक्शन में आ जाए तो अब आप ITC क्लेम कर सकते हैं। हम अभी यहाँ सभी का ITC क्लेम करना चाहते हैं, तो सब सिलेक्ट कर रहे हैं। ITC क्लेम करने के लिए यहाँ ITC स्टेटस पर क्लिक करें। ITC क्लेम में आपको सभी तरह के ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि अनक्लेम्ड, क्लेम्ड, इनएलिजिबल एंड रॉन्ग ITC। अगर आप कोई ITC क्लेम नहीं करना चाहते तो इनएलिजिबल सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर रॉन्ग ITC क्लेम हुआ है तो रॉन्ग ITC सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी यहाँ ऑल ITC क्लेम कर रहे हैं। ITC रिटर्न पीरियड सिलेक्ट करें अप्रैल 24। ओके पर क्लिक करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि ITC स्टेटस और रिटर्न पीरियड अपडेट हो गए हैं। यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट रिपोर्ट भी दी गई है, जिसमें आप एक ही जगह पर मैच डेटा, GST इनवॉइस और उस पर क्लेम हुए बिल की सभी डिटेल्स देख सकते हैं। साथ ही में मिरेकल ने आपको यहाँ मैच्ड डेटा के लिए एक फॉर्मेट दिया है GST इनवॉइस, जो आपको GST इनवॉइस ग्रुपिंग करके देगा, यानी कि जिसमें एक GST नंबर के कितने बिल बने हुए हैं उसकी लिस्ट। वापस से डिफॉल्ट फॉर्मेट देखने के लिए इनवॉइस वाइज पर क्लिक करें। एज पर GSTR 2B गवर्नमेंट साइट से मिलता हुआ एलिजिबल ITC देखने के लिए गो टू GST, GST रिटर्न
एंड GSTR-3B एज पर GSTR-2B में जाए। रिपोर्ट पीरियड और मंथ सिलेक्ट करें और यहाँ अवेलेबल ITC की डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर समाप्त होता है ये ट्यूटोरियल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।